आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं मैंगो मस्ताने। इसके लिए मैंने मैंगो स्लाइस लिए हैं, लगभग एक कप मैंगो स्लाइस हैं, और कुछ मैंगो स्लाइस मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रख लिया है। 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम है, 2 बड़ा चम्मच चीनी है और चिल्ड मिल्क लिया है। गार्निशिंग के लिए ये मैंने मैंगो आइसक्रीम ली है, इसको मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं, काजू बादाम पिस्ता, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया है। ये सभी सामान मैंगो मस्तानी बनाने के लिए चाहिए। अब सबसे पहले एक ब्लेंडर में हम ये मैंगो पीसेस, साथ में चीनी और वनीला आइसक्रीम और थोड़ा दूध डालकर इसको ब्लेंड करेंगे। वनीला आइसक्रीम डालने से टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, एकदम क्रीमी टेक्सचर आता है। ये देखिए बहुत बढ़िया तरह से ये ब्लेंड हो चुका है। ये मैंने थोड़ा रोज सिरप लिया है, इसे मैं ग्लासेस को डेकोरेट करूंगी। ग्लास के तली में इसको थोड़ा डाल देंगे और ये अच्छे से एक लेयर इसकी बन जाएगी। मैंगो के साथ रोज सिरप बहुत बढ़िया लगता है। ये एक्स्ट्रा दूध जो बचा है वो रख देंगे अलग। अब सबसे पहले जो फाइनली चॉप्ड मैंगो पीसेस थे, इसी हम एक लेयर लगाएंगे। अच्छी तरह से लेयर लगाएंगे ग्लास में। उसके बाद हमने जो ब्लेंड किया था इसको हम इसमें पोर करेंगे। ग्लास में पूरा नहीं भरना है। और उसके बाद इसको हम मैंगो आइसक्रीम का स्कूप बनाकर इसके ऊपर रख देंगे। इसका नाम ही मैंगो मस्तानी है तो इसमें पूरा पूरा आम का ही यूज किया गया है। अब इसमें हम ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट करेंगे, काजू बादाम और थोड़ा पिस्ता डाल देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और ऊपर से थोड़ा सा इसको हम रोज सिरप से गार्निश करेंगे। इससे इसका फ्लेवर जो है वो काफी एनहांस होता है। और लीजिए ये मैंगो मस्तानी तैयार है। इसमें ऊपर से हम एक एक स्लाइस मैंगो और लगा देंगे। मैंगो मस्तानी पीजिए और मजे लीजिए।